मैं अज कहना चाहुंदा पूरे पंजाब दे लोकां नूं कि 75 साल तो क्रिश्चन भी इत्थे रह रहे ने, हिंदू भी इत्थे रह रहे, मुस्लिम और सिख भी इत्थे रह रहे ने। ये एहो जी अग पहलां ते कितें नज़र नहीं आई बलदी। उन्हां नूं किडनैप करके उन्हां तों कबूल करवाया गया कि असीं इन्हां नूं क्रिश्चन बनाउण लई आए। जे को गलबात है तो उन्होंने सीधा थाने लैके आते तो फिर मीडिया के सामने कर दे। प्रशासन को बेनती आ, नाल दी नाल अपने भरावां नूं भी बेनती आ कि असी पंजाब च इदां दा माहौल ना कायम करिए। किन्नी क देर असी इदां दीआं रणनीतियां बना के जिहड़ा साडा भाईचारक सांझ आ उहनूं खत्म करन की कोशिश कर रहे हैं कि साडा जिहड़ा क्रिश्चन भाईचारा शांति पसंद आ, पर हुण इन्ना शांति पसंद नहीं रहेगा जिन्ना इह समझ रहे ने। प्रशासन ने साडे धक्के दे नजायज परचे कर कर साडे पासवानां नूं अंदर करना, साडे विश्वासियां नूं अंदर करना, फिर सब तो पहलां क्रिश्चन लीडर अंदर जाणगे। साडे जिहड़ी क्रिश्चन लीडरशिप आ उह जेलां दे विच जाएगी कि तुसीं सानूं ही अंदर दे रहे हो। फिर बीते दिनी कलानौर पुलिस वालों ईसाई भाईचारे के दो व्यक्तियों खिलाफ 295 का मामला दर्ज किया गया, जिथे कि पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक शिकायत आई थी कि जिस विच मसीह आगुआ उत्ते दोष लगे ने कि उन्होंने वालों धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उत्थे ही अज परचे नूं रद्द करवाने लिए वख-वख ईसाई भाईचारे दीआं जथेबंदियां वालों रोस प्रदर्शन किया गया अते मांग की गई कि यह परचा जल्द तो जल्द रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि साडे आगुआ वालों किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा गुरदासपुर सारे एल ई एफ चर्च के इकट्ठे हुए हैं बाईपास से, और मेरे नाल साडे पंजाब फैडरेशन के चेयरमैन आरफन सिंह चौहान जी, सीनियर वाइस प्रैजीडेंट प्रवेश तुंग जी, और मेरे तो पहला बोल चुके लाभा मसीह आलोवाल, होर भी साडियां मसीह जथेबंदियां अज इस जगह पर बड़ी वड्डी गिनती दे विच पहुंचियां ने। सो इन्हां दा मेन जिहड़ा मकसद आ कि अज साडे दो भरावां ते कल थाणा कलानौर दे विच परचा दर्ज किया गया, जिहड़ा बिल्कुल ही एक प्री प्राण परचा सीगा जिहदे विच बलकार सन ऑफ सुलखण मसीह, जगतार सिंह सन ऑफ महिंदर सिंह। सो इह परचे नूं जदों बड़ी बरीकी दे नाल वेख्या गया, इहदी छानबीन की गई, जिहड़े मदई वालों बयान दे के परचा दर्ज किया गया कि साडा धर्म परिवर्तन करवाउण दी कोशिश की गई आ, वो मदई का भरा इस जगह पर बोल के गया इन्नी पब्लिक दे विच कि इदां दी कोई गल नहीं हुई। उत्थे जो भी होया धक्के दे नाल होया वा। सो साडी प्रशासन नूं बेनती आ, नाल दी नाल अपने भरावां नूं भी बेनती आ कि असीं पंजाब च इदां दा माहौल ना कायम करिए। किन्नी क देर असीं इदां दीआं रणनीतियां बना के जिहड़ा साडा भाईचारक सांझ आ उहनूं खत्म करन दी कोशिश कर रहे आ। सो आपां सारे सोच विचार के चलीए, नजायज़ झूठ जिहड़ा इहनूं बंद करिए। जो साडी अज मंग सीगी इत्थे असी बाईपास बंद कीता सी, सन्नी बबरी साडा यूथ दा प्रधान आ, उहने बड़ी मेहनत शिरकत दे नाल सवेर दा लगा सीगा। सो आपां इक्को चीज़ कहना चाहुंदे आ कि साडा जिहड़ा क्रिश्चन भाईचारा शांति पसंद आ, पर हुण इन्ना शांति पसंद नहीं रहेगा जिन्ना इह समझ रहे ने, क्योंकि सानूं पता लग गया कि साडी लड़ाई किसे धर्म दे नाल नहीं आ, किसे फिरके दे नाल नहीं आ, साडी लड़ाई शासन ते प्रशासन नाल, क्योंकि इन्हां दी शह ते जो हो रहा इन्हां दीआं शहवां ते, क्योंकि ये पंजाब दे माहौल नूं जिहड़ा लॉ एंड आर्डर आ उहनूं कामयाब जिहड़ा वा सही रखण दे विच नाकामयाब नहीं। सो सीएम भगवंत मान नूं भी बेनती आ कि जल्दी इहदे वल ध्यान दित्ता जाए, नहीं तो पंजाब दे विच जो माहौल बणनगे उहदी जिम्मेवार सरकार होवेगी। और अज जिहड़ा धरना लाया सी, फिर डीएसपी साहब जिहड़े आए ने उन्होंने सानूं भरोसा दिता कि कल तक जिहड़ा परचा दर्ज किया जिहड़ा रद्द किया जाएगा और साडे बंदे बाहर होणगे। जे साडे बंदे बाहर ना आए, जिहड़ा अगला अंदोलन आ बड़ा वड्डा अंदोलन होएगा, जिला गुरदासपुर च नहीं पूरे पंजाब दीआं, क्योंकि जे शासन ने प्रशासन ने साडे धक्के दे नजायज़ परचे कर कर साडे पासवानां नूं अंदर करना, साडे विश्वासियां नूं अंदर करना, फिर सब तो पहला क्रिश्चन लीडर अंदर जाणगे। साडे जिहड़ी क्रिश्चन लीडरशिप आ उह जेलां दे विच जाएगी कि तुसीं सानूं ही अंदर दे रहे हो। फिर असीं जेल भरों अंदोलन करांगे, क्योंकि सानूं लभ गया
कि प्रशासन जिहड़ा साडे प्रति सीरीयस नहीं आ और सानू अपने हक लैण दे लई जो करना पएगा संघर्ष नू तेज कीता जाएगा। देखो जी अज दी मेन मकसद ये आ मीटिंग दा कि थाना कलानौर दे विच कल देर रात 10 तरीक नू शाम नू साढ़े दो विश्वासी चर्च दे एल ई एफ चर्च गुरदासपुर बबरी नाके दे कोल चर्च है साडा, उत्थों दो विश्वासी वीर किसी ने अपने घर कलानौर दे लागे को डेरा उन्हां नू बुला लिया और उन्हां नू बुला के तो उत्थे मीडिया दा पहला इंतजाम किया होया सी, उन्हां नू किडनैप करके उन्हां तों कबूल करवाया गया कि असी इन्हां नू क्रिश्चन बनाउण लई आए, जे को गलबात है तो उन्होंने सीधा थाने लैके आते तो फिर मीडिया के सामने करते। उत्थे नजायज़ बच्चों दोनों वीरों पर परचा दर्ज किया गया, एक का नाम है जगतार सिंह जो कोठे पिंड का रहने वाला है जो कि सिख बरादरी तो बिलोंग करता और दूसरा बलकार मसीह नबीपुर का रहने वाला है। इन वीर कल मुकदमा दर्ज किया गया 88/22 और अज साड़ी एल ई एफ चर्च दे विच वड्डी गिनती च क्रिश्चन भाईचारे का इकट्ठ होया, इस दे विरोध विच चौंक बबरी चौंक भी जाम किया गया और इस जगह एस पी हैडक्वाटर और डिप्टी साहब पहुँचे ने और उन्होंने अज पूरी मसीह कौम नूं विश्वास दवाया कि जिहड़ा परचा दर्ज किया गया इहदी कल तक ही इनकुआरी करके अवल तो अज शाम तक नहीं तो कल तक इनकुआरी करके तो परचा कैंसल किया जाएगा। ये बच्चों तो इंजाम आ जी कि धर्म परिवर्तन करवाने आए सी। मैं अज कहना चाहुंदा पूरे पंजाब के लोगों नूं कि 75 साल तो क्रिश्चन भी इत्थे रह रहे हैं, हिंदू भी इत्थे रह रहे, मुसलम और सिख भी इत्थे रह रहे हैं, इहो जी अग पहलां तो कितें नज़र नहीं आई बलदी। उत्थे दूजे पासे मौके ते पहुंचे डीएसपी सिटी वालों ईसाई आगुआं नूं समझाया गया अते उन्हां नूं कहा गया कि मामले दी निरपक्षता नाल जांच कीती जाएगी अते जो भी तत्थ सामने आउणगे उन्हां दे आधार ते ही कार्रवाई कीती जाएगी। कल रात मुकदमा दर्ज होया सी जी 295A दा भी उस बंदे दे आप हवेली च जाके इन्होंने दोबारा चर्च च उन्हूं बुलाया सी, वो परचे संबंधी जिहड़ा साडे अज नोट्स च गल आई ते इन्हां ने सानूं इन्हों को एक रिक्वेस्ट देन लगे आ भी ये परचा झूठा दर्ज है, असी वादा करते हैं भी इसकी बहुत जल्दी इनकुआरी करके इनू जेकर झूठा होगा कैंसल कर देंगे, मैरिट से यदि तफ्तीश करके जो मैरिट से होगा वो करा असं ठोक के करा जी। बिल्कुल जी ये बिल्कुल पढ़े लिखे ने, बिल्कुल सैटिस्फाई ने, मतलब धरना ला के फिर असं इन्हें बिजी हो जाएंगे, जे साडा काम स्लो हो गया तो फिर असं इन्हों ने जो प्रोमिस किया उस भी लेट होवे। देखो जी एक जड़ा इत्थे बंदा बैठा मुंडा वो कहिंदा भी मेरा भरा आया तो परचा उन्हें अंडर प्रैशर दर्ज कराया, असीं उन्हूं कहा भी असीं उहदे इंडिपेंडेंट होकर उहदे बयान लिखांगे तुहाडे विच भी बिठावांगे तुसीं भी उन्हां गलबात करके कर सकते, जे सानूं इह बयान दिंदा भी हाँ मेरे को परचा अंडर प्रैशर दर्ज कराया फिर तो समझ लो फिर तो परचा रहेगा नहीं। हाँ पर असीं इहदों इलावा भी असीं मैरिट ते भी तफ्तीश करके जेकर जे परचा जो भी सही बनेगा कैंसल होएगा तां कैंसल करांगे, ठीक है ना, जे कोई वह होर तत्थ सामने आने फिर अभी मुताबिक कार्रवाई करा। जिसे परचा दर्ज करवाया गया ना वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी ने मिलन नहीं दिता जा रहा ना ही फैमिली मैंबर ने कॉन्टैक्ट, इतें ही गल आई जी कल साढ़े किसी ने इदा की गल नहीं एस एच ओ साहब के या डिप्टी साहब के कलानौर के नोट्स नहीं जाती, ये तो मेरे हुणे ही गल आई है जे उत्थे साडे लिआउंदे तो इदा की कोई गल नहीं हैगी भी कोई बंदा किसी मिल नहीं देगा, इदा तो हो ही नहीं सकता जिंदगी। A1 मीडिया लिए गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की खास रिपोर्ट।